हेलो प्रीति, इन्हीं तो कुछ थे। आज मैं आपको स्टर फ्राई वेजिटेबल सीजन बनाना बताऊंगी। इसको आप सैलड की तरह भी खा सकते हैं या फिर डिनर से पहले स्टार्टर के रूप में भी ले सकते हैं। तो आइए अब हम सीजनर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप ब्रोकली ली है, 1 बाउल में 2 गाजर ली हैं लंबे पीसीज में कटी हुई, साथ ही हमने फ्रेंच बीन्स ली हैं जिनको इस तरीके से शेप में काट लिया है, मशरूम लिए हैं कट किए हुए, 2 कैप्सिकम हैं, साथ ही अमेरिकन कॉर्न्स लेंगे। इसके अलावा हमने ली है काली मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, साथ ही विनेगर यानी सिरका। तो इस तरीके से सब चीज़ों को हम ले लेंगे। अब एक हमने लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। लोहे की कढ़ाई में इसलिए बनाते हैं ताकि वो तेज़ गैस पर लोहे की कढ़ाई में हम काम कर सकते हैं और उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर लोहे की कढ़ाई में हम सब चीज़ों को बनाते हैं। अब इसमें हमने 3 चीज़ें यानी गाजर है, मशरूम है और बीन्स को पहले डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, इसको लगातार चलाएंगे। बहुत थोड़ा सा नमक डाला और तेज़ गैस पर हमें इसको पकाना है, यानी इसको क्योंकि ये थोड़ा सा सा जो है और चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेती है कुक होने में, तो इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक देंगे। मुश्किल से 2 मिनट के लिए ढकेंगे। ये साथ ही पत्ता गोभी के पत्ते हैं जिनको अच्छे से साफ़ कर लिया है हमने। अब इसको हमने खोला तो देखिए आप, ये सब्जी हमारी हल्की सी पकने लगी। हमको इसको एकदम बिल्कुल गलाना नहीं है लेकिन हल्का सा इसको हमें कुक करना है ताकि इसमें क्रंचीनेस भी बनी रहे और ये कच्चा भी ना रहे। देखिए बिल्कुल ये हो गया है। अब साथ ही इसमें हम बाकी वेजिटेबल्स भी डालेंगे, यानी ब्रोकली डाली हमने, कैप्सिकम, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, गैस हमको तेजी रखनी है, बहुत ही जल्दी ये सैलेड बन जाता है और टेस्ट भी इसका इतना बढ़िया लगता है। देखिए जैसे जैसे हम इसको कुक कर रहे हैं इसका कलर, अब सब्जी अपना कलर छोड़ने लगी है, चेंज हो गया है कलर। अब थोड़ा सा सॉल्ट और डालेंगे क्योंकि हमने सब वेजिटेबल्स और ऐड करी हैं। अब इसमें काली मिर्च डाली, लाल मिर्च पाउडर, अमेरिकन कॉर्न्स लास्ट में डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से चलाएंगे हम। इसी तरीके से इसको चलाते चलाते ही करीब 10 मिनट में हमारी सब्जी बिल्कुल वेजिटेबल्स सैलेड हमारा एकदम तैयार हो जाता है। जिस तरीके से चाउमीन बनाते हैं हम लोहे की कढ़ाई में और हाई फ्लेम पर, इसी तरीके से इसको बनाना है ताकि इसमें क्रंचीनेस भी बनी रहे और सब्जी एकदम ऐसे गली गली ना रहे। अब इसमें थोड़ी सी चिली सॉस डालेंगे, विनेगर यानी सिरका, साथ ही थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे। तो आप देखिए इसमें कुछ ऑयल भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगा है, उसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये हमारी सब्जी हो रही है, हम दूसरी गैस पर जो है वो सिजलर ट्रे को गर्म होने को हमने पहले से ही रख दिया था। इसके ऊपर हम पत्ते भी रख देंगे क्योंकि पत्ते भी हमको थोड़ा सा इसको सेकना है और इसी के ऊपर हम जो है वो वेजिटेबल्स को सर्व करेंगे, यानी सिजलर को इसी के ऊपर सर्व करेंगे। तो एकदम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे करीब 20 मिनट तक सिजलर ट्रे को। पत्तों को भी थोड़ा सेक लेंगे, पत्ते हमारे सिक चुके हैं, इधर सब्जी भी हमारी एकदम तैयार, इसमें धुआं भी उठ रहा है। अब इसको हम सिजलर ट्रे पर जो है वो पलट देंगे। देखिए सारी सब्जी को हम इस तरीके से सीलर की जो ट्रे है लोहे का तवा उस पर पलट देंगे और उसके बाद जो तवा है हमारा उसको सीलर ट्रे पर रख देंगे और साथ ही हम थोड़ा सा चारों तरफ से बटर डालेंगे ताकि उसमें जो स्मोकिंग साउंड आए और बहुत ज़्यादा धुआं आए। तो अब देखिए इस तरीके से वेजिटेबल सीलर हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसी तरीके से नई नई डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।